हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कर्मठ क्लासेस। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों एग्जाम टाइम टेबल 17 से 25 तारीख के बीच में डल जाएगा, मीटिंग हो चुकी है। और दोस्तों इस वीडियो में एक विद्यार्थी का दुख, किस तरीके से वो एग्जाम का वेट कर रहा है उसको बताया जा रहा है, कृपया पूरा सुने। शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर 3 लाख स्टूडेंट्स के सामने अगले कोर्स में आवेदन से वंचित होने का खतरा। दोस्तों अभी तक एग्जाम टाइम टेबल नहीं आया है, कब एग्जाम लगेगी, कब रिजल्ट आएगा, तो परेशान है बहुत सारे छात्र। मई के दूसरे सप्ताह में एग्जाम कराने का दावा था, अभी तक टाइम टेबल जारी नहीं। यही तो सबसे बड़ी कमी है शेखावटी यूनिवर्सिटी की। दोस्तों क्या कहे अब इनके बारे में यार, परेशान कर दिया इन्होंने। देखिए दोस्तों एग्जाम टाइम टेबल नहीं आने से क्या क्या दिक्कत आएगी। एग्जाम देरी से होगी, रिजल्ट लेट आएगा और विद्यार्थी फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, बीएड में एडमिशन लेने से लेट हो जाएंगे। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अरविंदम बासु हम गंभीरता से एग्जाम की तैयारी में जुटे हैं, एग्जाम टाइम टेबल जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, ऐसा ये महाशय कहते हैं। अरे कहते तो हैं लेकिन करते कुछ नहीं है तुम यार, बेवकूफ़ बना के रखा है विद्यार्थियों को। गहरा संकट आ चुका है विद्यार्थियों के ऊपर यार। यूनिवर्सिटी की देखिए दोस्तों लापरवाही क्या क्या है। एग्जाम फॉर्म लेट भरवाएंगे, मार्कशीट में खामियां छोड़ देंगे, जो वादा करेंगे उनको तोड़ देंगे, तो विद्यार्थी का झकमा रहेगा, कहाँ तक इन पर विश्वास करे यार। और भी तो यूनिवर्सिटी है, दूसरी यूनिवर्सिटी वो अच्छा काम कर रही है अपने। देखिए दोस्तों फिर ये काम बाकी एग्जाम कब होगी, अभी काम ये इतने सारे बाकी है तो एग्जाम कब होगी, अभी तक टाइम टेबल नहीं बना है दोस्तों। फिर परमिशन लेटर जारी करना पड़ेगा इनको, फिर परीक्षा केंद्र बनाएंगे ये, प्रश्न पत्र प्रकाशित करेंगे फिर, और सेंटर पर फिर पेपर भेजेंगे, तब एग्जाम लगेगी विद्यार्थियों की। तब तक हम आचार गड़ाए, घंटियां बजाए, अगले साल क्या करेंगे, बैठे रहेंगे घर पर। हर काम में देरी जिम्मेदार कौन है? दोस्तों सबसे पहले मैं कहूंगा कि इस यूनिवर्सिटी के हर काम में देरी का सबसे बड़ा कारण है प्रोफेसर कुलपति भागीरथ बिजानिया। ये साले नींद में रहते हैं यार, इनकी लापरवाही का नतीजा है यार। इधर परीक्षाओं के लिए 2 अधिकारी काम पर दे रखे, देख रहे हैं काम को कि क्या क्या काम करना है, कौन सा काम कब होगा, कौन सा काम कब नहीं होगा, फिर भी ये नींद में है, पता ही नहीं विद्यार्थी परेशानी में है। इधर परीक्षाओं के लिए 2 अधिकारी काम देख रहे हैं। एग्जाम निदेशक आप देख सकते हो दोस्तों डॉक्टर रविंद्र कटेवा है, हैं एग्जाम नियंत्रक डॉक्टर अरविंदम बासु है, फिर भी क्या है, इनकी जिम्मेदारी है कि हर समय पर परीक्षा फॉर्म भरवाकर टाइम टेबल प्रवेश पत्र जारी करें, परीक्षा केंद्र घोषित कर एग्जाम शुरू करवाए। लेकिन ये शादी ब्याह में मजे ले रहे हैं, इनको कोई परवाह नहीं है यार। हर काम देरी से होता है, यूनिवर्सिटी है या बैलगाड़ी है यार, इतनी स्लो चलती है कि साइकिल भी नहीं चलती यार। शेखावटी जो यूनिवर्सिटी है उसको बैलगाड़ी कहना उचित रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये साली इतनी स्लो चलती है कि यहाँ पर जो विद्यार्थी है वो बहुत परेशान होता है। सत्र खत्म हो जाता है, दूसरे सत्र में दिन की एग्जाम लगती है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 5 मई से, उदयपुर यूनिवर्सिटी है उसने 25 अप्रैल से एग्जाम शुरू कर दी दोस्तों। अब क्या कहें इनके बारे में। लेकिन दोस्तों मीटिंग हो चुकी है, जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।